नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। देश में इस वक्त कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है। कोरोना वायरस के कहर से सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। तमाम तरीके की दवाओं और वैक्सीन को लेकर देश और दुनिया के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस समय सबसे ज्यादा कारगर कोई उपाय है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया हुआ है कि दो गज की दूरी। जी हाँ, दो गज की दूरी को कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे बेहतरीन दवाई इस समय बताया जा रहा है। तो ऐसे ही इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए हमारे बीच में पवन कुमार जी हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए अपने तरीके से एक लड़ाई का हथियार का निर्माण किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये सब इन सब चीजों पर कोरोना महामारी के दौर में वहां पर भी कोरोना वायरस की उपस्थिति को मना नहीं किया जा सकता, तो उस डोरबेल से हम किस तरीके से बच सकते हैं, उस तरह का इन्होंने एक गैजेट बनाया है। आइए देखते हैं कि ये गैजेट किस तरह से काम करता है। तो आप हमें डेमो दें इसके बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। सर, बेसिकली आप जैसे किसी के घर पे जाते हो, जैसे मैं भी अगर किसी के घर पे जाता हूँ, कोई घर पर आता है, ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि घर की बेल ना बजाए, क्योंकि हर तरीके का इंसान घर पे आता है, उसमें हमें पता नहीं रहता कि कौन किसे कोरोना पॉजिटिव है किसे नहीं है, हर तरीके का इंसान पहुँचता है। तो उसको देखते हुए मैंने एक अनटचिंग बेल बनाई है। इसमें मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक है, जैसे आप इसके सामने आप हाथ लेकर आओगे सर, जैसे मैं इसके सामने हाथ लेकर गया, ठीक है, तो 5 सेकंड तक मैं इसके सामने हाथ रहेगा, उसके बाद ये बीप बजने लगे। ये देखें, अब ये नॉर्मली ये बीप बजने लगा कि घर पे कोई आ गया है। अब कोई जो मतलब जो अंदर होगा घर पे होगा वो निकल के आएगा, गेट खोलेगा कि कौन आया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक बार में बेल सुनाई नहीं पड़ती, मतलब काम कर रहे होते हैं या नहीं पता चल पाता है, तो हम दोबारा फिर 5 सेकंड तक अपना जो हैंड है उसे सामने लेकर आएंगे, दोबारा फिर बीप बजेगी। ये सिर्फ 10 सेकंड तक बजती है बेल जो है, उसके बाद फिर बेल बजने के बाद कोई आएगा और गेट को खोल देगा। तो इसमें हमें फिर सोशल मतलब जो चीज़ें हैं हमें बेल को टच नहीं करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कम से कम चीज़ों को टच करें। पवन जी, आप इसको ये थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है, तार वार काफी इसके खुले हुए हैं जी, तो इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज करना पड़ेगा जी, इस बारे में क्या आपने कुछ सोचा है? सर, अभी तो मैंने ये एक डेमो के तरीके से दिखाया है। ये नॉर्मली जो गेट होगा उसके ऊपर लग जाएगा, ये तो ये जो सेंसर है ये वहां पे लग जाएगा, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और ये जो बेल है ये घर के अंदर लग जाएगा। अभी तो नॉर्मली मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई ये चीजें कि ये ऐसे वर्किंग करेगा, क्योंकि वरना अगर ये ऐसे अजीब सा रहेगा, कभी वायर इधर कट सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर फॉल्ट हो सकता है, तो इसलिए अभी तो नॉर्मली मैंने ये चीजें जो है इसमें मतलब ऐसे वर्किंग में खुला ऐसे छोड़ रखा, उसके बाद मैं इसे प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके उसके बाद इसे घर में यूज करूंगा। अच्छा, ये आइडिया आपको कैसे आया इसका? सर, एक्चुअली मैं गाजियाबाद से हूँ और मेरा फ्रेंड रहता है सेक्टर 23 में, मतलब मेरे घर के पास में रहता है, तो वहाँ पे केस आया था, कोरोना पॉजिटिव था, तो मैं और मेरा फ्रेंड उसके घर पे गए थे। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई बेल बजा, वो कहता है भाई मैं बेल नहीं बजाऊंगा। उन्होंने क्यों? बोला भाई अभी यहाँ कोरोना निकला था कुछ दिन पहले, हो सकता हो कुछ कोई ऐसा हो आया हो उसके घर पे, उसने टच करा हो, तो उससे हम भी शायद हमें भी कोरोना हो सकता है। तो फिर उसे मैंने एक दो बार फोर्स करा, वो कह रहा इतना है तो तू बजा ले। मैंने बोला भाई मैं नहीं बजा, तो उसने कहा कि भाई अगर बेल नहीं बजानी कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दे कि जिससे तुझे दिक्कत ना हो, तुझे बेल टच करने की जरूरत ना पड़े। फिर मैंने मतलब आइडिया लगाया, फिर उसके बाद चीज़ों को मैंने मतलब सेंसर एक्चुअली बीटेक का स्टूडेंट, तो सेंसर के बारे में पढ़ा है किस टाइप के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, तो मैंने उसमें सेंसर यूज़ करे, और उसके बाद मैंने आर्डिनो इसमें यूज़ करा, एक बेल यूज़ करी है। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट ही नॉर्मली मतलब एक दो बार मतलब मुझे दिक्कत हुई, मैं एक बार एक खराब हो गया तो उसके बाद मैं दूसरा लेकर आया, तो मुझे मतलब एक सक्सेस मिल गई, मतलब थोड़ा टाइम लगा 4-5 दिन के बाद, बट हो गया। वैसे भी घर में कुछ काम नहीं है तो घर पे ही रहते हैं नॉर्मली, तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया और ये प्रॉपर मैंने अपना मतलब इसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में ये जो आपका जो गैजेट आपने बनाया हुआ है जी, इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता है? सर, वैसे तो इसमें 250-300 रुपए के आसपास खर्चा आ जाता है,
नॉर्मली अगर हम इसे ज़्यादा ज़्यादा चीज ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, जैसे 10-100 हज़ार ऐसे बनाएंगे, तो ये आपको 150 रुपये के आसपास में पड़ जाता है। इसको लेके क्या प्लान है आपका आगे इसको फ्यूचर में? सर अभी तो मैं देखो जैसे मैंने इसे करा है तो ये मेरे को ठीक लग रहा है। मे बी अगर एक बैल खरीदने जाता है एक इंसान तो 400-500 रुपये का मिलती है वो बैल। अगर हम इस प्रोडक्ट को अपने जो ये गैजेट है इसे हम अगर 100 या 150 रुपये में देंगे तो ईजिली हर कोई परचेज कर लेगा, तो उससे बचाव भी है और हम कोरोना जैसी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि इंसान आता है तो आते ही सबसे पहले बेल टच करता है, वो बेल बजाता है, तो हर तरीके का इंसान आता है। अगर हमें कोरोना सी चीज़ों से बचना है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पवन जी आपने क्या कुछ और भी गैजेट्स के ऊपर काम किया हुआ है ये, या फिर आपका ये पहला गैजेट है? सर ये मैंने काफ़ी सारे इन्वेंशंस करे हैं। उससे पहले मैंने एक स्मार्ट डस्टबिन बनाया था जो भरने के बाद फ़ोन पे मैसेज आता था। वो उसमें ये था जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सफाई अभियान शुरू करा था उसको देखते हुए मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें उसमें अगर जैसे एक डस्टबिन है नॉर्मली उसमें अंदर कूड़ा डालते रहते तो भर जाता है, तो नगर निगम की जो टीम है उन्हें पता नहीं चल पाता है तो वो बाहर फैलने लग जाता है, उससे बीमारियाँ होती थी। तो मुझे ये लगा कि अगर हम इस तरीके का प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो जो उसमें भी सेंसर्स यूज़ करे थे मैंने, अगर उसके अंदर कूड़े के मतलब कूड़ा फुल हो जाता है, डस्टबिन पूरा फुल हो जाता है, उसके सामने अगर फुल होने के बाद एक सेकेंड या फिर आपका 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक वो कूड़ा रहता है तो नगर निगम के पास जिसका आप नंबर ऐड कर दोगे उसके पास मैसेज पहुंचने लग जाएगा कंटिन्यूसली, जब तक वहाँ के लोग आके इसे रीसेट नहीं करते थे। चलिए पवन जी आपको इस आपके गैजेट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ पवन जी थे, इन्होंने एक ऐसा गैजेट बनाया है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में मानव जाति की मदद करेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप लाइव 24। नमस्कार। फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।